ये से बहुत बड़े हिस्सों में गुजरे हैं। उन्होंने एक किताब लिखी है, राइज एंड डिक्लाइन ऑफ रोमन एम्पायर। तो ग्रीक तहजीब के बाद रोमन एम्पायर आए। आप अगर यूनान की और ग्रीक की तरक्की के असबाब पढ़ेंगे तो आपको हैरत होगी कि उन्हीं अंग्रेज मुसन्निफीन ने लिखा है, कोई मुस्लिम ऑथर नहीं, कि जब तक यूनानियों के अंदर पाकगामी रही और मर्दों और औरतों के दरमियान पाकीदा रिश्ते रहे और एक महजब फासले को मेंटेन किया गया, तब तक यूनान तरक्की कर रहा है। साइंस में, मेडिकल साइंस में, आज तक हम लोग यूनानी मेडिकल साइंस पढ़ो, आज तक हम लोग किट में यूनानी कहते हैं और बहुत रिसर्च हुआ, क्योंकि उन्नति जो है कौन की, यह अगर बर्बाद हो गई लड़कियों के छेड़ने में, रेप करने में, तस्वीरें देखने में, मोबाइल देखने में, इंटरनेट देखने में, तो वो एनर्जी को उधर चली जाएगी। वो कभी सीरियस स्टडी के लिए किसी लड़के लड़की का दिल ही नहीं लगे। तो इतनी तरक्की अगली पारदानी से आती है। काश यही जुमला आपको आज याद रहे, इल्मी तरक्की अमली पाकदानी से आती है। इल्मी तरक्की अपने वक्त को जाये करने से